ग्राम पंचायत चुनाव का जायजा लेने के लिए हमने रुख किया राजधानी जयपुर और अजमेर के बीच बसी ग्राम पंचायत दूदू का। दूदू जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, तहसील और उपखंड भी है। इसकी पंचायत समिति में 19 ग्राम पंचायत आती हैं, जो परिसमन से पहले 56 हुआ करती थी। यहाँ चुनाव की तैयारियां उरूज पर हैं, दीवारों पर बैनर पोस्टर टंग चुके हैं। 11,000 के करीब मतदाता वाली ग्राम पंचायत दूदू में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो दूदू दूसरी ग्राम पंचायतों से कहीं बेहतर है। पक्के बने मकान, सड़कें आदि इस ग्राम पंचायत को शहरनुमा लुक देते हैं। इसके बावजूद यहां कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात पाना जरूरी है। सर, यहाँ नगरपालिका नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तो यहाँ की जनसंख्या है, और नगरपालिका होने से कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। ग्राम पंचायत होने से आदमी को कहीं भी जैसे छोटा मोटा निर्माण करना हो तो NSO लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बजाय नगरपालिका अगर यह होगी तो एक गरीब आदमी को काफ़ी परेशानी होगी। वो अगर एक खिड़की भी निकालेगा अपने मकान में तो नगरपालिका से NOC लेनी पड़ेगी उसको, तो ये उसके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और वैसे यहाँ नगरपालिका नहीं होने का कारण सिर्फ केवल और केवल जनसंख्या है। नगरपालिका बनने के मापदंड दूदू ग्राम पंचायत पूरे नहीं कर रही है, जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या कम है इसलिए नगरपालिका नहीं बन रही है, नहीं तो जैसे ही जनसंख्या पूरी हो जाएगी और हो जाएगी तो निश्चित रूप से नगरपालिका भी दूदू में बन जाएगी। हर प्रयास करेंगे भाई दूदू में नगरपालिका बने। और उन्हीं समस्याओं को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा प्रत्याशी अपनी बातों से मतदाताओं को कितना रिझा पाता है। आइए सबसे पहले सड़क किनारे बैठे उन गांव वालों से ही चर्चा करते हैं कि इस बार गांव की सरकार के लिए वो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और किस मुद्दे को देखकर वो मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और ठंड भी काफी है, लोग जो है जगह जगह पे हाथ ताप रहे हैं। कहना चाहिए जितने भी घर में स्वेटर और जैकेट है वो सारी निकल के बाहर आ चुकी हैं। बहुत ठंडी सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म है। माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर है, गांव की सरकार चुनी जानी है। कैसी होगी सरकार, कैसा होगा प्रत्याशी, कैसे होंगे काम, क्या रहेगा मुद्दा, इन्हीं सब पे बात करेंगे। यहाँ पे कई सारे युवा हैं जो हमें बताने, इनसे पूछने वाला हूँ कि कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का काम चाहते हैं और पार्टी को देख के वोट करेंगे या पर्सन को देख के वोट करेंगे। हमें प्रत्याशी चाहिए जो गांव का विकास कर सके, जैसे नाली पानी बिजली जो भी समस्याएं गांव के हिसाब से, वो अच्छा पर्सन हो। ये नहीं भाई हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो आए और अपना काम करके चला जाए, ऊपर साइड नाली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ऐसे मुद्दे हो छोटे मोटे जो गांव के हिसाब से चल सके। मेन मुद्दा जैसे यहाँ चिकित्सा की कमी है, चिकित्सक आते हैं टाइम पे, रुकते नहीं हैं बाहर से, जैसे NH8 नंबर है हाईवे उस पर, यहाँ पे जो कहने का मतलब डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलते हैं उस टाइम पे, उनको समस्या होती है, जयपुर रेफर करना पड़ता है, वहाँ पहुँचते उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे यहाँ के ऐसे जो हमारे विधायक साहब है उनको भी हम आग्रह करते हैं इस बात की, और वो भी जोर देते हैं इस चीज़ का, और हमारे जो लोकल जो भी बॉडी जो सरपंच वगैरह मेंबर डायरेक्टर वगैरह जो भी मनते हैं वो लोग भी थोड़ा कुछ इस पे विशेष ध्यान दें, ऐसी चीज़ों पे जो गांव के काम में आए, और जो बाहर से जो NH8 है उस पे लोग बाग जैसे चलती है गाड़ियाँ, तो वो उन लोगों की भी समस्याएं हल होए, ऐसा काम कराएं जो सबको साथ लेकर चले, सबका विकास कराए, उसको वोट डालेंगे। देखो समस्या तो यहाँ हॉस्पिटल की है, आपके सामने हॉस्पिटल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। दूध में तो बहुत समस्या है, ना तो बिजली आती है, ना पानी मिलता है, खाने पीने का नहीं मिलता है, तो क्या करूँगा। और ना आ रही दशा देव क्या, मच्छर खा रहे, बीमार पड़े लोग, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे तो गाँव में विकास का काम करने वाला सरपंच चाहिए और ध्यान देवे, ये नहीं आज तो अमल बल्ले 5 साल पूछिए नहीं, वो तो नहीं, और बहुत बढ़िया आदमी चाहिए हमारे घर दूध के अंदर। ये बढ़िया बच्चा काम कर रहे हैं ना, जो अब बटाओ पंजाओ में कराएंगे ना, नुआ बनाओ योग्य सेवा बनाओ ना, बस गणेश डावलो से खुला पंचायत खड़े लो भागे तो रबड़ो से और बढ़िया सोरो से अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए गाँव का मान पूरा अच्छी, और गंदा पानी बाहर जाना चाहिए। सरपंच ऐसा जो गांव में विकास करे जैसा, उससे काम चलेगा आगे, उससे बाकी काम नहीं चलेगा, विकास होना चाहिए बस गांव में। दूदू वैसे तो जिला जयपुर में आता है लेकिन इसकी लोकसभा अजमेर लगती है। दूदू एक ऐसा कस्बा है जहां से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने कई सारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड की शुरुआत भी इसी दूदू कस्बे से की थी, लेकिन उन योजनाओं का कितना फायदा खुद दूदू की जनता को मिल पाया है ये जानना भी जरूरी है। दूदू में लोकसभा बीजेपी की है तो वहीं विधायक कांग्रेस और प्रधान बीजेपी का। इस त्रिकोणीय मामले में फंसे दूदू को हमेशा ही इसका एक खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि हर बार चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर देश और प्रदेश के मुद्दे हावी हो जाते हैं। दूदू ग्राम पंचायत में पिछली बार जनरल सीट थी तो वहीं इस बार ओबीसी पुरुष सीट रिजर्व है। यहां हमने बात कर जानने की कोशिश की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। जो भी क्षेत्र में दूदू ग्राम पंचायत में कोई अधूरे काम है उन सबको संपूर्ण करवाएंगे, और मेरा मानना है जिला स्तर के ऊपर जो ऑफिस होने चाहिए, जो दफ्तर होने चाहिए वो दूदू में उपलब्ध है, फिर भी कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करके उन सब कामों को करवाया जाएगा। मूलभूत ड्रेनेज का सिस्टम पूरा फेल है गांव में। कहीं भी चल जाओ, कोई भी कॉलोनी में चल जाओ, कोई भी इस बाजार में चल जाओ, मार्केट में चल जाओ, गंदगी का आलम है। सबसे पहले तो मेरे ये प्रोजेक्ट में रहेगा कि गांव की नीट एंड क्लीन सफाई, साफ सफाई। दूदू में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो न सिर्फ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं बल्कि चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता भी फैलाते हैं। इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का होने वाला इस बार गांव की सरकार बनाने के लिए चुनाव और जनता के मुद्दों को देखते हुए करेगी वोट। अब ये जो पंचायती चुनाव जो है ये गाँव की सरकार बनाता है। पंचायत चुनाव छोटे लेवल के चुनाव, इसमें स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं। सड़क की व्यवस्थाएं जो हैं, लाइट बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की है उसी के लिए चुनाव लड़ा जाता है। उसमें जो योग्य प्रत्याशी होता है उसके लिए जनता वोट करती है। उसके लिए अभी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है, तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। गाँव के नालियों की ज़रूरत है, जो पानी की गंदे पानी निकासी जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है उसकी ज़रूरत है, रोड लाइटों की ज़रूरत है, जो भी सुविधाएं हैं, पानी जो टाइम से नहीं आ पाता है, स्थानीय मुद्दे ही हैं। और लोग जो हैं, जो लोग जनता जुड़े हुए हैं, जो जनता के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, पिछले वही कई बरसों से काम कर रहे हैं, उन्हीं को जनता चुनेगी। जात पात पर वोट नहीं होना चाहिए, वोट जो है वो विकास को मिलना चाहिए। ऐसे योग्य उम्मीदवार हो जो दूदू जनता के दुख दर्द को सुने और जमीनी स्तर पर कार्य करें। तो यदि हमारी दूदू ग्राम पंचायत की रिपोर्ट कि कैसे बनने वाली है दूदू में गांव की सरकार। ग्राम पंचायत चुनाव की बाकी खबरों के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए Zoom News।